मुझे फर्स्ट देखो, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में आपने कनेक्शन कैसे लगाए थे? बेटा आवाज आती है आपको? ओके यस मैम। बच्चे देखो, उस दिन बना के देखा था ना हमने, लगाओ इसके कनेक्शन कैसे लगाओगे? देखो सेल्स कैसे लगाने हैं बेटा, ये पॉजिटिव एंड होता है, ये नेगेटिव एंड है इसका, ठीक है? फर्स्ट सेल का जो स्मॉल लाइन है बेटा ये, ठीक है, ये नेगेटिव एंड है। फर्स्ट सेल का नेगेटिव एंड सेकंड सेल के पॉजिटिव एंड के साथ सेकंड सेल का नेगेटिव एंड थर्ड वाले सेल के पॉजिटिव एंड के साथ, ठीक है? उसके बाद देखो इसका पॉजिटिव, बच्चे इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा ये, ठीक है? ये ऑपोजिट कनेक्ट होंगे ए एंड बी आपस में, ठीक है? ए नेगेटिव एंड है बेटा, ए का नेगेटिव एंड किसके साथ कनेक्ट होगा? बी के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट होगा। इसका नेगेटिव एंड बचे, इसके नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट होगा। देखो यहाँ तक हो गया कंप्लीट बच्चे, यहाँ तक हो गया कंप्लीट? यस मैम। मंजोत सिंह क्या पूछना चाहते हो बेटा आप? मंजोत क्या पूछना बेटा आपने? नेक्स्ट देखो, यहां से देखो बच्चे, तीनों एक ही सीक्वेंस में लगाए हैं ना हमने, तो सेम सप्लाई पास होगी इसमें से। अब सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें क्या चेंज आती है बेटा, क्या चीज कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है? किसकी वैल्यू में चेंज आती है बेटा? बच्चे किसकी वैल्यू चेंज होगी इसमें? बी चेंज होगा, आई कॉन्स्टेंट है बेटा इसमें, आई की वैल्यू क्या आएगी? कॉन्स्टेंट। समझ आ गया यहाँ तक? यस मैम। ओके नेक्स्ट बच्चे, इसकी स्टार्टिंग देखो कहाँ से लेनी है आपने। जो चीज चेंज होती है बेटा, स्टार्टिंग वहां से लेनी है, ठीक है? इसको क्या चेंज होता है बेटा इसमें? बी की वैल्यू देखो चेंज होती है बच्चे, बी चेंज होता है ना इसमें देखो, तो स्टार्टिंग बी से लेनी है आपने। देखो कैसे लिखोगे इसको, आई कांस्टेंट है ना बेटा, बी चेंज होता है इसमें, ठीक है? कैसे लिखोगे देखो इसको, वी वन, बी को कैसे लिखोगे? बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस बी, ठीक है बेटा? उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, बच्चे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बी की क्या वैल्यू होती है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यस लिखो, अब किसके इक्वल आएगा?
क्लियर। अब वी वन की वैल्यू लिखनी है बच्चे आपने, तीनों कंपोनेंट्स की देखो वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको ताकि यहाँ पे पुट हो जाए। वी वन की वैल्यू लिखो, क्या लिखोगे बच्चे बोलो, वी वन की वैल्यू क्या लिखोगे? आई आर वन। यस, आई तो कॉन्स्टेंट है ना बेटा, ठीक है। yes, ये वैल्यू वन। वी टू की वैल्यू लिखो, आई टू। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट के लिए लिखो, देखो हो गया बेटा इतना बच्चे। अब ये सभी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट हो जाएगी, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो आप, फर्स्ट इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, ये सभी वैल्यूज बेटा पुट हो जाएंगी वी की। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, हो गया इतना। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है, इन सभी वैल्यूज को हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, क्या आएगा देखो, वी वी की जगह क्या लिख दोगे आप, वी की जगह वी की वैल्यू, आई इक्वल टू बेटा, हो गया यहां तक देखो। अब इसमें से क्या कॉन्स्टेंट बेटा कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन क्या लिख सकते हो इसमें से, बच्चे पता चल गया यहाँ तक? Yes, ma'am. अब देखो आई कॉमन ले लो बेटा, ठीक है, आई कॉमन आ जाएगा साइड से, ये आ गया देखो इतना। अब देखो क्या कैंसिल होता है बेटा, आई दोनों साइड है, आई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नेट वैल्यू इतनी आ जाएगी। समझ आ गया बच्चे? Yes, ma'am. बेटा समझ आ गया। आगे देखो सेकंड वाला कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या लगाओगे इसमें बच्चे? एक ही सीक्वेंस में नहीं लगाने आपने तीनों कॉम्बिनेशन, ठीक है, अलग अलग लगाओगे। बच्चे नेक्स्ट देखो, वैसे ही बाकी कनेक्शन सेम लगाओगे जैसे हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन में किया। सेल्स के कनेक्शन लगाओगे आप, पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे? ए, यहाँ से सप्लाई पास हो गई, उसके बाद बी, इन दोनों के एंड्स देख लो कैसे लगाओगे, पॉजिटिव एंड के साथ, बट ए का नेगेटिव एंड किसके साथ अटैच होगा? वी के पॉजिटिव के साथ। वी का नेगेटिव किसके साथ अटैच होगा? नेगेटिव के साथ, नेगेटिव टू नेगेटिव। समझ आ गया बच्चों यहाँ तक? देखो सेम ही है ना बाकी के कनेक्शन।
बच्चे यहाँ तक समझ आ गया आपको? यस मैम। ओके बेटा, अमनजोत अपने अनम्यूट पे लगा लो आप। अमनजोत समझ आ गया बच्चे? यस मैम। अमनजोत समझ आ गया बेटा आपको? यस मैम। चलो आगे देखो बच्चे, इसमें क्या चेंज होता है? ओके बेटा गुड। इसमें देखो क्या चेंज होता है बच्चे? अब देखो यहाँ से आई की वैल्यू बेटा तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी अलग अलग। फर्स्टली फर्स्ट कंपोनेंट के लिए आई वन आ गया, इसमें क्या पास होगा? आई टू, देन आई थ्री। समझ आया बेटा इतना? अब देखो आपको ये पता चल गया कि आई तो कांस्टेंट हो नहीं सकता बेटा, ठीक है? आई कांस्टेंट नहीं है, दैट मींस आई की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है? आई की वैल्यू क्या होगी? चेंज। बी में आएगा बेटा कांस्टेंट। देखो बी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, ठीक है? आई चेंज होता है तो बी की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट। अब मैंने आपको बताया था बच्चे कि जो वैल्यू चेंज होती है स्टार्टिंग हम वहां से लेते हैं, ठीक है? अब इसमें आई की वैल्यू चेंज होती है, स्टार्टिंग कैसे लोगे? आई कंपोनेंट से लोगे, ठीक है? देखो इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट बच्चे? यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो स्टार्टिंग से कैसे लिखोगे इसको। आई लिखो पहले, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा आपने पहले बी की वैल्यू लिखी थी ना, अब हमने आई की वैल्यू लिखनी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आई की वैल्यू देखो क्या लिखोगे बच्चे? आई की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे? बी किसके इक्वल होता है? आई आर। यस, आई की वैल्यू निकालो यहाँ से। आई की वैल्यू क्या आएगी बच्चे यहाँ से? आई की वैल्यू देखो क्या आएगी? वी आर, वी डिवाइडेड बाय आर। मैम वी डिवाइडेड बाय आर वन। यस बेटा, ये आई की वैल्यू आ गई। उसके बाद अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए आई की वैल्यू लिखो। आई वन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास बेटा? आई वन की वैल्यू मैम बी अपॉन आर वन। यस, आगे नेक्स्ट आई टू बी अपॉन आर टू। बी कॉन्स्टेंट है बच्चे, बी नहीं चेंज होगा, ठीक है? यस गुड। नेक्स्ट I three जी मैम, V upon R three। Yes। अब ये तीनों values बचे, first equation जो आपने लिखी है ना I वाली, ठीक है? इसमें put हो जाएगी। ये तीनों values बेटा यहाँ पे equation को first equation लिख लो, ठीक है? जो starting में आपने equation लिखी है इसको first equation लिख लो। तीनों values बेटा I की यहाँ पे put हो जाएगी, ठीक है? देखो क्या बनता है। यहाँ तक complete हो गया? Yes, ma'am. लिख लिया बेटा यहाँ तक? उसके बाद देखो इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया। वैल्यू बेटा आई
मैम ये भी चो भी कॉमन कर देंगे बेटा यहाँ तक आ गया देखो बच्चे आवाज सुनाई देती है आपको सनम आवाज सुनती है बेटा यस मैम ओके ये देखो बेटा यहाँ तक आ गया अब देखो इसमें से बी कॉमन लेना है बी कॉमन आ जाएगा इसमें ये आगे देखो इतना बेटा यहाँ तक कंप्लीट हो गया देखो आपका यस मैम अब ये दोनों वैल्यूज आगे बच्चे क्वेश्चंस में यूज होगी ठीक है इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं ये दोनों वैल्यूज में यूज होगी ठीक है पता चल गया बच्चे आगे इतना देखो बेटा समझ आ गया यहाँ आ गया देखो दोनों वैल्यूज आ गई दोनों कॉम्बिनेशन के लिए अब आगे यही वैल्यूज यूज होनी है मुझे यही चीज आगे यूज होनी है बुक है बेटा आपके पास यस मैम बच्चे अपनी बुक का 213 पेज खोलो बेटा इफ यू हैव अ बुक देन यू विल ओपन द पेज 213 पेज खोलो बच्चे अपनी बुक का इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं देखो आपको बच्चे मिल गए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी बुक yes. पे 213 पेज खोलो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा
consisting of cells बच्चे देखो यही क्वेश्चन है आपकी बुक में. Yes, मिल ma'am. गया ये क्वेश्चन. यस मैम. ओके बेटा गुड. अब इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चे. ये क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें. नवजोत व्हाट हैपन बेटा. देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपको. बच्चे इस क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है. तीन सेल्स आपको गिवन है ठीक है. एक फाइव ओम है ठीक है. एक एट ओम दिया हुआ है बच्चे. एक ट्वेल्व ओम का दिया हुआ है ठीक है. उसको कैसे लगाया जाएगा ठीक है. देखो टू वोल्ट के साथ अटैच होंगे तीनों सेल्स. इसको कैसे लगाना बच्चे. तीनों सेल्स को आपने किस टाइप से लगाना ठीक है. ओनली इनके कनेक्शन ही बताने हैं बच्चे. इसको कैसे लगा सकते हैं ठीक है. फाइव ओम फर्स्ट सेल कितने का है बेटा. फाइव ओम. नेक्स्ट एट ओम. नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास 12 ओम ठीक है. उसके बाद बच्चे आपने इसमें क्या लगाने हैं. देखो 2 वोल्ट के लिए आपने बच्चे यहाँ पे तीन सेल्स लगाने हैं. ठीक है बेटा. बच्चे पता चल गया. देखो 2 वोल्ट लिखेंगे यहाँ पे. 2 वोल्ट के साथ अटैच होगा. सनम समझ आ गया बच्चे ठीक है. अब देखो नेक्स्ट बाकी के कनेक्शन सेम है बेटा. इसको बना के दिखाएंगे ठीक है. इसमें बस वैल्यूज दी हुई हैं आपको ठीक है. देखो बन गया बेटा. यस मैम. इसमें से बच्चे एक सेल 2 वोल्ट का है ठीक है. उसने बताया हुआ है कि ईच सेल बेटा एक सेल 2 वोल्ट का है ठीक है. तीन सेल यहाँ पे यूज किए हमने. टोटल कितने वोल्ट हो गए ये बच्चे. टोटल कितने वोल्ट होंगे देखो. 2 वोल्ट इसको लिखना कैसे है. यस 2 वोल्ट. एक सेल 2 वोल्ट का बेटा. सेकंड सेल भी 2 वोल्ट का ठीक है. थर्ड वाला सेल भी बच्चे हमने 2 वोल्ट का लिया ठीक है. ऐसे बनाना बेटा आपने. देखो कंप्लीट है ये. यहाँ पे की ही लगा देना बेटा. यहाँ पे की भी लगा देना की. बच्चे बना लिया. देखो इसमें हमने कनेक्शन ही बताने थे बच्चे इस क्वेश्चन में. देखो आ गया समझ. आ गया बेटा. यस मैम.
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अपनी बुक में से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. साइड होम दिया हुआ है तो आपको आपको एट होम दिया हुआ बेटा. थर्ड देखो. ट्वेल्व होम गिवन है बेटा. उसके बाद आपको वोल्टेज गिवन है बच्चे. वोल्टेज लिख लो बेटा नेक्स्ट 8 वोल्ट. वोल्टेज आपके पास है बेटा 8 वोल्ट. आपने हाई की वैल्यू निकाल के दिखानी है बच्चे. कैपिटल आई की वैल्यू निकालनी है. नेक्स्ट आपने बेटा वी की वैल्यू निकालनी है. वोल्टेज निकालनी है आपने. इन 12 ओम बच्चे 12 ओम के लिए वोल्टेज निकालनी है. ये क्वेश्चन है आपको दिया हुआ बेटा. अब इसको कैसे निकालोगे बच्चे, इसको कैसे लिखोगे. कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया हुआ है बेटा. पहले कॉम्बिनेशन भी देख लो. कॉम्बिनेशन गिवन है आपको इन देखो इसको कैसे बनाओगे. पहले कनेक्शन देखो इसके कैसे लगाओगे बेटा. 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम. ठीक है, तीनों को बच्चे आपने एक ही सीक्वेंस में लगाना है.